इंशियन टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों, गोवा रिजल्ट्स लाइव अपडेट शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, गोवा में आज इलेक्शंस का जो रिजल्ट आने वाला था उसकी काउंटिंग शुरू हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने जो है अपने लगाम को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पकड़ लिया है, जिनकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी अभी तक जो है तकरीबन 18 सीटों पर लीडिंग है और कांग्रेस 14 सीटों पर लीडिंग है। अब देखना यह है कि मेजॉरिटी किसकी होगी। जी हाँ दोस्तों, गोवा में इन टोटल 40 सीटें हैं, जिसमें 21 सीट जिसकी भी आएगी उसकी जो है मेजॉरिटी होगी और उसकी सरकार बनेगी, या फिर बीजेपी और किसी और पार्टी के साथ अलायंस होगी या कांग्रेस किसी और पार्टी के साथ अलायंस होगी। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। कल हमारे साथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, हमने उनसे बात की है। हम आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना है। अभी जो है बीजेपी 16+ है और कांग्रेस 18+ है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि एग्जिट पोल चाहे कुछ भी दिखाए, भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी मिल रही है और स्टेट में फिर से एक बार बीजेपी की सरकार हो रही है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि डीके शिव कुमार जो केपीसीसी के प्रेसिडेंट है, उनका इस बारे में क्या कहना है। ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಕೂಡ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ। ಔರ್ जो भी यहाँ का रिजल्ट होगा हम आपको यहाँ से डायरेक्ट अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहेगा।